विराट ने रचा इतिहास। T20 क्रिकेट में ये कमाल करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। भारतीय कप्तान विराट कोहली लगभग हर मैच में एक नया कीर्तिमान अपने नाम करते जा रहे हैं। विशाखापत्तनम में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मैच में उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया। विराट ने इस मैच में 24 रन की पारी खेली, लेकिन उन्होंने जैसे ही अपनी पारी में 12 रन बनाए वो दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने T20 क्रिकेट में किसी एक टीम के खिलाफ 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। विराट ने ये कमाल की उपलब्धि कंगारू टीम के खिलाफ हासिल की और क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में विराट ने इस टीम के खिलाफ अब तक कुल 512 रन बना लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज ये हैं। विराट कोहली विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया 512 रन, मार्टिन गप्टिल विरुद्ध पाकिस्तान 463 रन, पी स्टारलिंग विरुद्ध अफगानिस्तान 461 रन, नो शहजाद विरुद्ध आयरलैंड 436 रन, आरोन फिंच विरुद्ध इंग्लैंड 425 रन, मार्टिन गप्टिल विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका 424 रन। क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में विराट को कंगारू टीम के खिलाफ खेलना काफी पसंद है। विराट अब तक कंगारू टीम के खिलाफ 14 T20 मैचों में 61 की शानदार औसत से कुल 512 रन बनाए हैं। क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में विराट ने अब तक किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। इसके अलावा विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए 14 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 5 अर्धशतक लगाए हैं, जो किसी भी विपक्षी टीम के खिलाफ T20 में संयुक्त रूप से सबसे अधिक है। विराट के अलावा श्रीलंका के बल्लेबाज कुशल परेरा ने भी बांग्लादेश के खिलाफ 5 अर्धशतक लगाए हैं। ऐसे में अगर विराट अगर दूसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाफ सेंचुरी लगाते हैं तो वो कुशल परेरा से आगे निकल जाएंगे। विराट के लिए विजाग का मैदान काफी लकी रही है और उन्होंने यहां पर खूब रन बनाए हैं, पर इस मैच में उनका बला नहीं चला और उन्होंने 17 गेंदों पर 24 रन बनाए। इस मैदान पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में ये विराट का सबसे कम स्कोर रहा। इससे पहले उन्होंने इस मैदान पर 7 पारियों में 118, 117, 99, 65, 167, 81 और 158 रन बनाए थे। विराट जरूर इस मैच में बड़ी पारी खेलने से चूक गए, लेकिन यहां पर उनका औसत 118.42 का है, जो अपने आप में बेमिसाल है।